ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों सबों को जय यीशु। आज माता कलीसिया खजूर रविवार का त्योहार मनाती है। यह प्रभु यीशु के गधे के बछड़े पर सवार होकर जुलूस के रूप में यरूशलेम नगर में प्रवेश करने की घटना को स्मरण दिलाता है। रघुबूत से जिस उत्साह के लिए हम तैयारी कर रहे थे वह समय नजदीक आ गया है। आज के समारोह के साथ हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं जो पूजन वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। यीशु के दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के एक सप्ताह पहले यरूशलेम में उनके शानदार प्रवेश की खासी घटना के बारे में कोई संदेह नहीं है। प्रभु यीशु अपने 33 वर्ष के जीवन काल में कई बार यरूशलेम गए। सबसे पहली बार वे 40 दिन के थे। मूसा के नियम के अनुसार हर एक लौते बालक को ईश्वर को समर्पित करना था। अतः योसेफ और मरियम बालक यीशु को लेकर यरूशलेम गए ताकि वहां उनको मंदिर में चढ़ावे। इस बार वह मसीह के रूप में नहीं गए। बाद में जब वे 12 वर्ष के थे तब नाजरेत से पैदल चलकर अपने माता पिता और साथियों के साथ यरूशलेम गए। वह यहाँ पास का पर्व मनाने के लिए गए। वहां मंदिर में धर्म पंडित के साथ वाद विवाद करके उनमें इस छोटी उम्र में ही मसीह को मसीह हो सकने की छोटी सी झलक दिखाई। 30 वर्ष के बाद सुसमाचार का प्रचार के लिए निकले। उन्होंने गलीलिया के गांव का दौरा किया। गलीलिया से वे यहूदिया गए जहां यरूशलेम है। उनको कई बार यरूशलेम जाना पड़ा। वे जब भी गए एक यात्री के रूप में नहीं बल्कि मसीह और अपने अधिकार के साथ गए, परंतु लोगों ने उनको नहीं स्वीकारा। यीशु पिता ईश्वर द्वारा भेजे जाकर और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर गलीलिया गए और वहां के गांव में घूम घूम कर उपदेश देने लगे। उन्होंने अपना उपदेश इन वचनों द्वारा शुरू किया, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, ईश्वर का निकट आ गया है। अपने वचन सुनाने के साथ साथ यीशु ने बहुत से रोगियों को चंगा किया और अनेक प्रकार के चमत्कार किया। आज उनके इन कार्यों को करते 2.5 या 3 वर्ष बीत रहे हैं। पिता ईश्वर की योजना के अनुसार अब उन्हें अपने इन कार्यों का समापन करना है। अतः उन्होंने यरूशलेम जाने का निश्चय कर लिया है। उनके पार्थिव जीवन का अंत वहां होने वाला था। एक बार यीशु ने सच्चाई पर लोगों का ध्यान यह कहते हुए आकर्षित किया था कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर नहीं मरा है। अपने मरण के लिए ही यीशु ने आज के दिन यरूशलेम में आखिरी बार प्रवेश किया। यीशु जैतून पहाड़ की ओर से यरूशलेम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनको नबी जकरिया की यह भविष्यवाणी याद आई। सियोन की पुत्री से कहो, देखो तेरे राजा तेरे पास आते हैं। वे विनम्रता के प्रतीक गधे पर सवार हैं। उन्होंने अपने 2 चेलों को पास के गांव में भेजा ताकि वे इसी प्रकार की सवारी का प्रबंध करें। यीशु एक गधे पर चढ़े। उनके साथ लोगों की भीड़ ने उनका जय जयकार किया। दाऊद के पुत्र को खुशी हुई। यीशु और उनके साथ चलने वाले लोग इसी जय जयकार की गूंज के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। यरूशलेम वासियों ने यह आवाज सुनी और देखा कि विजय जुलूस शहर की ओर आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ रहा था यरूशलेम वासी भी अपने घरों से निकलकर उसमें शामिल होने लगे थे। बहुतों के हाथ में खजूर और जैतून की डालियां लहरा रही थी। कुछ लोगों ने अपने कपड़े राह पर बिछा दिए थे।
ऐसे लग रहा था मानो यीशु ने यरूशलेम वासियों का दिल जीत लिया है। यहूदियों ने इस खजूर रविवार के दिन प्रभु यीशु का खूब गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उनकी जय जयकार की। परंतु क्या अभी भी उन्होंने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार किया था? उनके मसीह होने की घोषणा की थी या उन्हें मात्र नाजरेत का एक नबी माना था? उन्होंने यीशु से अपने लिए प्रेम पाया, वह प्रेम जिसके द्वारा उन्होंने पुनः समाज में अपनी प्रतिष्ठा को पाया, जीवन की पूर्णता को पाया। उन्होंने दूसरों के लिए अपना प्यार जताना सीखा। हमने प्रभु को नहीं देखा है, उनकी अमृत वाणी को नहीं सुनी है, उनके चमत्कार नहीं देखे हैं, जैसे कि यहूदियों को नसीब हुआ था। फिर भी हम यीशु को मसीह मानते हैं, अपना मुक्तिदाता मानते हैं, अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर ने हमको विश्वास का दान दिया है। पर खजूर रविवार की यात्रा में शामिल होते हुए हम मनन करें, क्या हम उनसे प्राप्त प्रेम को दूसरों को बांट सकने के काबिल हैं? हम ये नम्रता के साथ विश्वास में दृढ़ बने रहें। जय श्री।